नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आए दिन सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब महाराष्ट्र के मुंबई से भी एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव ग्रुप के सदस्यों ने चेंबूर इलाके की एक रैली में इस्लामी झंडा फहराने का काम किया है, जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है और लगातार बयानबाजी हो रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र भाजपा के नेता नितेश राणे ने 1 मिनट 26 सेकंड के इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो चेंबूर इलाके के एक ओवर ब्रिज के नीचे बनाया गया है। इस वीडियो में एक भीड़ आतिशबाजी कर रही है, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम होने की स्थिति बन गई है। आसपास नमाजी टोपी पहने कुछ लोग दिख रहे हैं। इसी भीड़ के बीच में कुछ लोगों द्वारा चांद तारा छपा एक हरे रंग का बड़ा सा इस्लामिक झंडा लहराता हुआ देखा जा सकता है। झंडे को क्रेन पर लटकाया गया है, इसके नीचे एक माला भी झूल रही है। भाजपा नेता नितेश राणे ने इस वीडियो को शेयर करते हुए उद्धव ठाकरे की निंदा की है। उन्होंने मराठी भाषा में कैप्शन में लिखा, यूबीटी की रैली में लहराया पाकिस्तान का झंडा, अब आगे क्या? पीएफआई, सिमी और अलकायदा के लोग मातोश्री में बिरयानी खाएंगे। जल्दी मुंबई में दाऊद का स्मारक भी बनाया जाएगा और उद्धव दावा करते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के असली बेटे हैं। गौरतलब है कि इसी सप्ताह उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो भविष्य में नरेंद्र मोदी और भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। भाजपा को विश्वासघाती बताते हुए उद्धव ने दावा किया है कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। उद्धव ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर महाराष्ट्र के प्रति द्वेष भाव रखने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लिए आने वाली परियोजनाओं को दूसरे प्रदेशों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बकौल उद्धव, इन चुनावों के बाद मोदी की तानाशाही वाला राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने गारंटी देते हुए यह भी कहा कि इंडी गठबंधन देश में नई सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों का हुजूम सामने आ रहा है। लगातार शिवसेना उद्धव की आलोचना की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन से वीडियो में दिख रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि भीड़ में शामिल लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर सकता है। बता दें कि इस वीडियो को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस वीडियो में तनिक भी सच्चाई है तो ये बाला साहब ठाकरे के आत्मा को ठेस पहुंचाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।